बायोलॉजी में लेसन नंबर 5 जिसका आगे अपने पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसमें जीव द्रव्य कुंचन के बारे में पढ़ा था, जीव द्रव्य विकुंचन के बारे में पढ़ा था, और जो विभिन्न प्रकार के दाब हैं जैसे स्फीत दाब, भित्ति दाब, प्राशन दाब, और इन दाबों के मध्य में क्या संबंध है इनके बारे में पढ़ा। फिर अपने जो ये दाब थे उनमें आपस में किस प्रकार वृद्धि और कमी होती है, क्या संबंध है, उसे अपने आरेख द्वारा समझा था। आज अपने इस वीडियो में जल विभव की अवधारणा है, जो जल विभव अवधारणा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जल विभव अवधारणा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या है जल विभव अवधारणा। यदि किसी कोशिका को जल में रख दिया जाए, जैसे अपने किसी उदाहरण के लिए अपने उस दिन किशमिश की कोशिका को जल में रखा तो उस वह फूल जाती है, जल किरण जो अंदर प्रवेश करते हैं और वो अलपराश विलयन था। यदि अपने उस फूली हुई किशमिश को अपने रख देते हैं चीनी के विलयन में यानी अति प्राश्न विलयन में तो वह कोशिका पिछड़ जाती है। तो अपने उस कोशिका को जब जल में रखते हैं तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका का जो विलयन है, जो कोशिका में उपस्थित विलयन है, उन उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के मध्य के अंतर को उस निकाय या तंत्र का जल विभव कहते हैं। तो जो किशमिश की कोशिका थी उसमें उपस्थित जो अणु थे और जो जल के अणु थे उन दोनों के मध्य जो ऊर्जा मुक्त हुई उस ऊर्जा मुक्त को क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। इसका मान शून्य होता है। इसका मान शून्य क्यों होता है, क्योंकि इसके निरपेक्ष मान की गणना करना संभव नहीं है। ये अपने नहीं बता सकते कि कितने जल के अणु प्रवेश किए थे और कितनी उन्होंने ऊर्जा मुक्त की, कोशिका में कितने अणु थे, तो यह मानना संभव नहीं है। यदि जल में यानी जल या विलायक है उसमें कोई विलयन मिलाया जाता है तो उसका जल विभव कम हो जाता है। यदि अपने क्या लेंगे, कोई जल लिया और उसमें विलयन यानी कोशिका का जो रस है वो एक ट्रेस विलयन है उसको मिला दिया जाता है तो उसका जल विभव कम हो जाता है। और जल विभव को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, साई, साई से दर्शाया जाता है। इसे इस प्रकार लिखते हैं और इसका प्रतीक क्या है, इसका ये है। तो साई से प्रदर्शित करते हैं जिसकी इकाई क्या होती है, बार या वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाती है। तो ये जल विभव की अवधारणा थी। फिर इसके बाद में जो प्राश्न विभव है, प्राश्न विभव किसे कहते हैं, प्राश्न विभव क्या है, तो किसी विलयन का प्राश्न दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक होता है। किसी भी विलयन का जो प्राश्न दाब, प्राश्न दाब आपको पता है किसे कहते हैं, जो जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जब गति करते हैं तो भित्ति के अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्राशन दाब कहते हैं, और उसके जल के विभव के कम होने का सूचक होता है। जब प्राशन दाब उत्पन्न होता है तो किसका सूचक है, जल विभव का कम होना। जल विभव कम कब होता है, जब उसमें कोई विलयन मिला दिया जाता है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे साई एस से, प्राश्न विभव को किसे साई एस से दर्शाते हैं। तो ये प्राश्न विभव था, यानी जल विभव का जब मान कम हो जाता है तो उसमें प्राश्न विभव कहते हैं। फिर दाब विभव, दाब विभव क्या है, स्फीत कोशिका यानी जो फूली हुई कोशिका है उसे क्या कहते हैं, स्फीत कोशिका। स्फीत कोशिका क्यों होती है, क्योंकि जल के अणु उस कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं और वो स्फीत हो जाती है। स्फीत कोशिका द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे स्फीत दाब कहते हैं। जल विभव में हुए प्रभाव को दाब विभव कहते हैं। तो दाब विभव की क्या परिभाषा है, स्फीत दाब जो कोशिका को बाहर की तरफ लगाता है वो जल विभव में
बारे में अपने लिखते हैं, किसे कहते हैं मैट्रिक्स विभव? फिर आगे है मैट्रिक्स या अधत्री, ये क्या है? तो कोशिका की जल अवशोषित करने वाली जो सतह होती है, जिसमें कोशिका का जल अवशोषित होता है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और जो मैट्रिक्स विभव है, ये क्या होता है? जो मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न विभव होता है, उसे मैट्रिक्स विभव कहते हैं। तो मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न विभव को मैट्रिक्स विभव कहते हैं। इसे साई एम से दर्शाया जाता है, साई मतलब विभव और एम मैट्रिक्स। अब अपने इन जो प्राश्न विभव है, दाब विभव और मैट्रिक्स विभव, इनका जल विभव से क्या संबंध है? तो इस तरह से लिखेंगे, साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एच प्लस साई पी। तो तीनों का योग किसके बराबर होता है? जल विभव के बराबर होता है। अब जब कोशिकीय प्राश्न हो रहा होता है, तो जो मैट्रिक्स विभव है, इसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो जब मान शून्य होगा, तो अपने इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसलिए साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी लिखा जाता है। तो ये जो विभव थे, वो कंप्लीट होते हैं सारे। फिर अब है इसके बाद में नया टॉपिक, अंतः शोषण। तो अंतः शोषण क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंतः शोषण किसे कहते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ की जो द्रव स्नेही, मतलब जिस तरफ द्रव आकर्षित होता है, वो द्रव स्नेही सतह होगी। किसी ठोस पदार्थ की द्रव स्नेही सतह से जल का अधिशोषण होना क्या कहलाता है? अंतः शोषण कहलाता है। अब क्योंकि वो जल को अपनी अंदर खींचती है, इस कारण से अंतः शोषण कहलाता है। जैसे लकड़ी के दरवाजे होते हैं, वो जब उन्हें भीग जाने पर नमी की उपस्थिति में वो फूल जाते हैं, तो यानी उनकी सतह ने क्या कर लिया? जल को अवशोषित कर लिया। तो ये अंतः शोषण होता है। अब जो अंतः शोषण है, यह किन किन कारकों से प्रभावित होता है? तो अंतः शोषण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले लिखेंगे एक नंबर तापक्रम। तापमान है वो कैसे प्रभावित करता है? तो तापमान बढ़ने पर अंतः शोषण बढ़ जाता है। ठोस वस्तु जब नम होती है, तो तापमान बढ़ेगा तो ठोस वस्तु क्या करेगी? उस नमी को अपने में अवशोषित कर लेती है। तो एक नंबर है कारक तापक्रम। फिर आगे वाला कारक अपने लिखेंगे कि जो अंतः शोषक है, उसकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो ठोस है या किस प्रकार का है। सेकंड नंबर कारक कौन सा है? अंतः शोषक की प्रकृति। तो ये भी अंतर शोषण को प्रभावित करने वाला कारक।
अंतर शीर्षक है उसकी शुष्कता। अंतर शीर्षक शुष्कता कैसे प्रभावित करती है? जितना अधिक होगा शुष्क उतना ही अंतर शीर्षक की दर अधिक होगी। नोटबुक में नोट करना है और नेक्स्ट वीडियो में अपने नेम